हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, इसके बाद हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और आपके डाउट और नोट्स, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट विद एनसीईआरटी एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन अलॉन्ग विद नोट्स करवाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हो। उसके अलावा मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है कि मैं आपको कैसे जो है करवाने वाला हूँ पूरी साइंस क्लास टेंथ की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो जो है चैप्टर के नाम से ही हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड, एसिड क्या होता है, ठीक है, एसिड क्या होता है। तो एसिड की अगर मैं एक बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, मतलब आप जब हायर लेवल पे जाएंगे क्लास 11th वगैरह में, तो आप कई जो है देखेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने एक अलग अलग अप्रोच दी है एसिड्स के बारे में, ठीक है, एसिड और बेसिस के बारे में, ठीक है। लेकिन इस लेवल पे, 10th लेवल पे हमें एक ही डेफिनेशन पढ़नी है, और अकॉर्डिंग टू दिस एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, एच पॉजिटिव आयन देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा द कंपाउंड्स विच गिव्स हाइड्रोजन आयन एच पॉजिटिव इन सॉल्यूशन और वाटर या वाटर का सॉल्यूशन हो, ठीक है, आर नोन एज एसिड्स। उसके बाद अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं इसके कुछ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला HCl, ठीक है, फॉर्मूला आप साथ साथ इनका याद रखिए, आपको आगे हेल्प करेंगे। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है, सफिशिएंट है अभी के लिए। उसके बाद सेकंड टर्म जो है नेम में वो क्या है, बेस, ठीक है। तो बेस वो कंपाउंड होते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, मतलब OH- आयन आपका देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी डेफिनेशन, द कंपाउंड्स विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH- इन सॉल्यूशन और वाटर, आर नोन एज बेसिस, उन्हें क्या कहते हैं, हम बेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बेस के एग्जांपल की बात करूँ तो वो क्या है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आपको बेसिस के नाम के पीछे क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड जो है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। थर्ड टर्म जो हमारी आ जाती है वो क्या है, सॉल्ट। आगे आप रिएक्शन पढ़ेंगे जिनका जो बाय प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सॉल्ट। तो आप वहाँ से भी सॉल्ट की डेफिनेशन जो है बना सकते हो। मैं सबसे सिंपल डेफिनेशन दूंगा जो क्या है कि जब किसी एसिड से जो एच पॉजिटिव आयन है उसकी जगह कोई मेटल जो है आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। मेटल ही क्यों, अब हाइड्रोजन आयन है वो पॉजिटिव आयन है,
ठीक है, मतलब कैटायन है, तो कैटायन को एक कैटायन ही रिप्लेस कर सकता है, और कैटायन होते हैं आपके मेटल्स, ठीक है, तो मेटल इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। और जब एक मेटल और नॉन मेटल मिलके कंपाउंड बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मेटल नॉन मेटल ही बनाए, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चांस वही है कि उसी को क्या कहते हैं, सॉल्ट। तो यहाँ पर आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कब मिलते हैं हमें, ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन बाय मेटल, ठीक है, आर नोन एज सॉल्ट्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, सॉल्ट कहेंगे। तो यहाँ पे जो आपके एसिड वाले एग्जांपल हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, उनमें जो H पॉजिटिव है उसको रिप्लेस कर सकते हो किसी मेटल से, जैसे HCl है तो NaCl, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद जैसे H2SO4 है तो आपने बना दिया MgSO4, तो क्या बन जाएगा ये, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो ऐसे तो आप बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है, जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3 आपने बना दिया NaNO3, तो ये बन गया सोडियम नाइट्रेट, ये सब क्या है, सॉल्ट, ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा आपको। उसके बाद अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है आपका, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, टाइप ऑफ एसिड एंड बेसिस हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर अब टाइप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस बेसिस पे टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो इट्स ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपके ये टाइप है, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेंथ के बेस पे बात करूं तो आपका जो है, आप सबको भी आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से होंगे, तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपका कौन सा रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। और बेस की मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो अब स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, तो अगर आप एसिड की डेफिनेशन ही देखोगे तो वो क्या होती है कि एक कंपाउंड जो H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन आयन देता है सॉल्यूशन के अंदर, तो अब सॉल्यूशन के अंदर वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है। तो अगर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे रहा है, और हाइड्रोजन आयन कब देता है, जब एक एसिड का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, ठीक है, तो वो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, ऐसे एसिड जो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि द एसिड्स विच आयोनाइजेज, ठीक है, एस भी लगा सकते हो, जेड भी आयोनाइजेज फुली इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स, और यू कैन से डिसोशिएट कंप्लीटली, ठीक है, 100% डिसोशिएशन होता है, मतलब ये पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाते हैं इसके अंदर, आयन्स के अंदर, ठीक है। एग्जांपल पे भी आएंगे, यहाँ पे द एसिड विच आयोनाइजेज पार्शियली इन वाटर टू प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स, ठीक है, और यू कैन से डज नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली आगे आ जाएगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा,
वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिफरेंस, तो डिसोशिएट कंप्लीटली। सेकंड हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स के ऊपर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल HCl, H2SO4, ठीक है। इसके अलावा जो आपका नाइट्रिक एसिड था HNO3, ठीक है, नाम मैं अगेन नहीं लिखवा रहा, ठीक है। उसके बाद जैसे हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr। उसके बाद बात करूँ मैं किसकी, वीक एसिड्स की, तो वीक एसिड में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एसिटिक एसिड, जिसके अंदर CH3COH, एसिटिक एसिड। उसके बाद आपका ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये सब क्या आपके वीक एसिड है। अब मैं आगे बात करूँ किसकी, बेस की, तो बेस के भी सिमिलरली टाइप होंगे, ठीक है। ये किसके टाइप थे, एसिड के टाइप थे, तो ऐसे ही बेस के भी टाइप होंगे। तो कौन कौन से होंगे आपके, सबसे पहला स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करूं, तो बेस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या कहती है, कि ऐसे कंपाउंड जो OH माइनस आयंस को क्या करें, प्रोड्यूस करें, दे किसके अंदर, वाटर के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ भी जो है कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है, कि स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, कि OH माइनस आयंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा होंगे तो स्ट्रॉन्ग, कम होंगे तो वीक। तो यहाँ पे आ जाएगा कि द बेस विच आयोनाइजेस फुली और कंप्लीटली इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो कि 100% डिसोशिएट या वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डिसोशिएशन। वीक की बात करूँ तो इसका अपोजिट हो जाएगा, द बेस विच डज नॉट आयनाइजेस फुली और, ठीक है, डज नॉट आयनाइज फुली और आयनाइजेस पार्शली टू प्रोड्यूस लो नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएंगे क्या, वीक बेस। अब मैं अगर एग्जांपल की बात करूँ आपसे किसके, स्ट्रॉन्ग और वीक के, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल हो जाएंगे आपके, जैसे आपका था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूँ किसकी, वीक बेस की, तो उसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके, जैसे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद आपका अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये किसके टाइप थे, बेस के टाइप थे, ठीक है। ये तो किसके ऊपर बेस थे भाई, ये थे आपके स्ट्रेंथ के ऊपर बेस। अब हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे कि दूसरा किसके ऊपर है, तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेसिस पे है। कंसंट्रेशन क्या बताती है हमें, कि कितनी अमाउंट में कोई दूसरी चीज़ कितनी प्रेजेंट है, वो किससे पता चलता है हमें, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी निकाल सकते हैं हम,
एक सॉल्यूशन की, ठीक है। कंसंट्रेशन किसकी होती है? सॉल्यूशन की, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, वन इज सॉल्यूट, अदर इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के बेसिस पे क्या होगा, कंसंट्रेशन होगी क्या कि सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है या सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, कम होगा तो कम कंसंट्रेशन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन से उन्हीं को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पे आपका आ जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड क्या सॉल्यूशन कौन सा होता है जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट हो आपका? सॉल्यूट, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द सॉल्यूशन विच हैज लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड इज डिजॉल्व्ड इन लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, इज नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके सेकंड टाइप की, जो कि होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट डिजोल्व होगा लार्ज अमाउंट ऑफ यहाँ पे वाटर के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा द सॉल्यूशन विच हैज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड इज डिजॉल्व्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। एंड यही आपका कंसंट्रेटेड एसिड हो सकता है, कंसंट्रेटेड बेस हो सकता है, डाइल्यूट एसिड हो सकता है, और आपका डाइल्यूट जो है बेस हो सकता है। तो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही रहेगा कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है या कम में प्रेजेंट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आपने जान लिया कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, तो अब यहाँ पे जो एक कंसेप्ट चलता है, जो पूछा जाता है, ठीक है, वो क्या है? वो है आपका डाइल्यूटिंग एन एसिड, किसी एसिड को डाइल्यूट करना है। अब डाइल्यूट करने की बात आएगी तो डाइल्यूट कैसे करोगे? अब कंसंट्रेटेड है कोई चीज़, मतलब उसकी जो अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए आप क्या करोगे? वाटर ऐड करोगे। अब वाटर ऐड करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके से हो सकता है। कैसे? ये आपके पास क्या है? एसिड, दिस इज एन एसिड। इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? आप ऊपर से डाल रहे हो पानी, ये वाटर आप इसके अंदर ऐड कर रहे हो। पहला तरीका आपके पास ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आपके पास ये वाटर है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? एसिड ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर दोनों सेम बात है। अगर मैं कहूँ आपसे दोनों सेम बात नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है? हालांकि
मिक्सचर सेम बन रहा है, रिएक्शन सेम हो रही है, लेकिन जो आपका जो सेटअप है वो बदल जाएगा और जो है आपका जो रिएक्शन होने का जो प्रोसेस है वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब जो आपको आउटकम्स मिलेंगे वो चेंज हो जाएंगे। कैसे? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले तो जो डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन के अंदर क्या होता है आपका, एसिड के अंदर वाटर ऐड किया जाता है और वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट एसिड, यही होता है। अब मैं इसके अंदर अगर बात करूं, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि एसिड प्लस वाटर, ये जो रिएक्शन है ये क्या है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो का मतलब क्या होता है? एग्जिट, ठीक है, और थर्मिक का मतलब यहाँ पे वर्ड आ रहा है थर्मल, मतलब हीट, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एग्जिट होती है, इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे मतलब जब भी ये मिक्स जो है रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हीट इवॉल्व होगी तो जब वाटर इसमें ऐड होगा यहाँ पे हीट निकलेगी, हीट की वजह से एसिड उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से एसिड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बॉयल टाइप हो जाएगा और उसमें से क्या निकलेंगे, वेपर्स निकलेंगे और वो जब हमारे ऊपर गिरेंगे तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा, हमें स्किन बर्न्स होंगे, ठीक है, इचिंग होगी, जल जाएगा, ठीक है। और अगर इसी केस में बात करूँ, एसिड आपने डाला तो एसिड डालते ही जो हीट निकलेगी, अब हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर है और वाटर की लेटेंट हीट हाई होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है वेपर में कन्वर्ट होने से पहले, ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहीं पर रह जाता है, रोक देता है, जिसकी वजह से कोई स्पिल आउट नहीं होता और आपको कोई नुकसान नहीं होता। तो इसीलिए जो ये वाला तरीका है इसको आप काट दो, तो जो फॉलो होगा वो आपका ये वाला तरीका होगा, ठीक है। क्यों होगा, एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन वी ऐड वाटर टू द एसिड द हीट इवॉल्व्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय एसिड एंड इट वेपोराइजेस एंड कम आउट या स्पिल आउट विद वाटर एंड कैन हार्म और बर्न अस, ठीक है। बट व्हेन वी एड एसिड इंटू वाटर द हीट इवॉल्व्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, वाटर हैज हाई लेटेंट हीट and can absorb large amount of heat before conversion into vapors, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे that's why while diluting an acid, acid is added to the water but not water in acid, ठीक है।
तो ये आपके एक्सप्लेनेशन होगी और कंसेप्ट जिसके अंदर हम डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड जो है वो देखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका टाइप आ जाता है, ये किस बेसिस पे आपका जो है कि वो कहाँ पे मिलते हैं, ऑन बेसिस ऑफ अक्रेंस और सोर्स। ठीक है, कहाँ पे वो मिलते हैं, इस बेसिस पे। तो इस बेसिस पे अगर मैं एसिड की बात करूँ तो आपके एसिड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला होता है आपका नेचुरल एसिड और सेकंड है आपका मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड, अगर मैं नेचुरल एसिड की बात करूँ, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसे एसिड जो कहाँ से मिलते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। और मिनरल एसिड कौन से होंगे, जो कि आपके बनाए जाएंगे, मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, कहाँ, फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर या अर्थ क्रस्ट वगैरह के अंदर से जो मिलते हैं आपके। ठीक है, या फिर जो मिनरल से बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। ठीक है, और कह सकते हो आर सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल। ठीक है, वो सब क्या होंगे, आपके मिनरल एसिड होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एग्जांपल की। ठीक है, तो नेचुरल एसिड की मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो आपका बहुत बार पूछा जाता है जो आपका नेचुरल एसिड है इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल हैं। जैसे सबसे पहला आपका सिट्रिक एसिड, दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है टार्ट्रिक एसिड, उसके बाद आ जाता है आपका लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, उसके बाद आपका आ जाता है एसिटिक एसिड और आपका फॉर्मिक एसिड। वहीं पे अगर मैं बात करूँ किसकी, आपका मिनरल एसिड की, तो मिनरल एसिड की अगर हम बात करूँ तो इसके एग्जांपल क्या होंगे आपके, जैसे HCl। ठीक है, उसके बाद आपका H2SO4, H3PO4, H2CO3। ठीक है, ऐसे ही आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सब कौन से हैं, मिनरल एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वो पूछा जाता है किससे, नेचुरल एसिड से, कि जैसे सिट्रिक एसिड है वो कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो वो पाया जाता है आपका जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। टार्ट्रिक एसिड की बात करो, जैसे टामारेंड आपकी इमली। ठीक है, टामारेंड्स हो गया आपका, ग्रेप्स हो गया। ठीक है, उसके बाद लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में आपका जैसे दही के अंदर होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड या आपका जो मिल्क खट्टा हो जाता है, मतलब उसी से वैसे ही दही बनती है खट्टा होके। उसके बाद जो आपका ऑक्सैलिक एसिड है, ये मिलता है टमेटोज़ के अंदर। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद एसिटिक एसिड आपका मिलता है विनेगर के अंदर। ठीक है, जो सिरका होता है, उसके अलावा जो केचप वगैरह में भी ये डलता है। फॉर्मिक एसिड की बात करो तो जो एंट स्टिंग होता है, चींटी वगैरह काट लेती है। ठीक है, ऐसे आपका बीटल लीफ स्टिंग होता है। ठीक है, नेटल लीफ स्टिंग होता है आपका, नेटल लीफ स्टिंग। ठीक है, नेटल है आपका, नेटल लीफ स्टिंग। उसके बाद यहाँ पे आप अगर मैं बात करूँ जैसे एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का आपका फॉर्मूला क्या होगा, CH3COH। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या होता है, इथनोइक एसिड। जो फॉर्मिक एसिड होता है आपका मिथनोइक एसिड। जिसका फॉर्मूला होता है CH3, मतलब ये होता है आपका HCOH। ठीक है, मतलब इस टाइप से होता है
ऐसे दिस इज मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, ठीक है भाई। तो ये थे आपके किसके बेसिस पे, सोर्स या अक्रेंस के बेसिस पे आपके एसिड थे, ठीक है। बेसिस के अंदर ऐसे कोई टाइप नहीं है, फिर भी आप पढ़ो तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका यूज़ कहाँ है, सोप में, डिटर्जेंट में, कॉस्टिक सोडा में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का कहाँ है, वो आपका कॉस्टिक पोटैश में। सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 वॉशिंग सोडा। उसके बाद आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कहाँ पे आपका जैसे वाइट वॉश जो करते हैं वहाँ पे इसका आपका यूज़ है, ठीक है। तो ये हमने पढ़े क्या टाइप्स ऑफ जो आपके क्या हैं एसिड, अलग अलग कैटेगरी वाइज हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे भाई हम कि इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर्स। तो अगर इंडिकेटर्स की बात करूं तो इंडिकेटर्स में ऑलरेडी एक वर्ड आ रहा है, डेट इज इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब होता है आपका इशारा करना, ठीक है, या बताना, इंडिकेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है इंडिकेटर्स क्या होंगे, अब हम पढ़ क्या रहे हैं एसिड एंड बेसिस, तो इंडिकेटर्स क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंस जो हमें इंडिकेट करेंगे, जो हमें बताएंगे कि ये भैया आपका एसिड है और ये आपका बेस है। तो जो ये बताने में जो है सक्षम हो, जो ये बता पाए आपको कि ये आपका एसिड है और ये बेस है, उन्हें हम क्या कहेंगे, इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा द सब्सटेंस which show different property in like their smell, ठीक है, color etc, show different property in different substances, ठीक है, like acids and bases। तो ऐसे substances जो indicate करें या तो अलग color से या अलग smell से कि ये भैया acid है और ये आपका base है, उन्हें क्या कहेंगे, indicators कहेंगे। तो अब indicators के अगर मैं बात करूँ किसके types की, तो तीन, वैसे तो चार तरीके के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आपका नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड नंबर पे आता आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, उसके बाद सिंथेटिक के बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होता है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो भाई कौन कौन से होते हैं पहले ये देखते हैं, फिर बात करेंगे इसके एग्जांपल पे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नेचुरल इंडिकेटर की, तो सबसे पहले तो ये कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन नेचर, ठीक है। उसके बाद जो इसके एग्जांपल है उन पे हम आगे भी बात करेंगे डिटेल में। तो सिंथेटिक इंडिकेटर जो फॉर्म्ड फ्रॉम, जो सिंथेटिक इंडिकेटर आपके किससे बनते, केमिकल सब्सटेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी जो है आपके रिसेप्टर्स थे, ठीक है, कहाँ होते हैं ये आपके नोज़ के अंदर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या, ऑल्फैक्टरी का वर्ड का मतलब है जो आपका स्मेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंस जो अलग अलग स्मेल शो करते हैं किसके अंदर, अलग अलग सब्सटेंस के अंदर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि द सब्सटेंस
ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी यूनिवर्सल इंडिकेटर। ऑल्फैक्ट्री में क्या होगा आपका, अलग अलग स्मेल जो है ये देंगे अलग अलग सब्सटेंस के अंदर। तो यहाँ पे आपका ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर क्या हो गया, विच गिव्स डिफरेंट स्मेल, या फिर आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो ऑर्डर, विच गिव डिफरेंट स्मेल और ऑर्डर, ठीक है, इन डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब आपका जो एसिड और बेस है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करते हैं, तो ये आपके तो ऊपर वाले तीनों तो क्या करते हैं, ये बता रहे थे ये एसिड है और ये आपका बेस है, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको ये भी बता देंगे कि एसिड है तो कितना स्ट्रोंग है या कौन सा ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो इसीलिए क्या करते हैं, दे गिव डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, अलग अलग स्ट्रेंथ के लिए अलग अलग कलर देंगे, उन्हें क्या कहेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। आगे चलते हैं, अब देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल और कैसे कैसे वो कलर चेंज शो करते हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे इंडिकेटर लिखे जाएंगे, जैसे सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर है आपका। तो इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे हम ये देखेंगे, और वो कैसे कैसे, मतलब वो आपका एसिड में कैसे कलर शो करेंगे और आपका बेस में कैसा कलर शो करेंगे, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहला क्या है आपका, लिटमस। लिटमस की बात करो तो लिटमस से ही आपके लिटमस पेपर भी बनते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लिटमस एसिड में देता आपका रेड कलर और बेस में देता आपका ब्लू कलर। यहीं पे मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूँ तो सेकंड है आपका रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, तो रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, तो इसका कलर कैसा होता है, अगर एसिड की बात करूँ तो आपका होता है यहाँ पे रेड और यहाँ पे होता है आपका ग्रीन, ठीक है भाई। उसके बाद अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूँ मैं, नेक्स्ट होता है आपका फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, तो यहाँ पे फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, तो ये कैसा कैसा कलर शो करता है आपका, ये करता है आपका ब्लू और आपका पिंक, ठीक है, सेम कलर यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टर्मरिक, हल्दी, वो भी एक इंडिकेटर है आपका। तो टर्मरिक के अंदर क्या होता है आपका, टर्मरिक में कोई भी चेंज नहीं आता जब मैं बात करूँ किसकी, एसिड की, तो यहाँ पे नो चेंज, लेकिन बेस का जो है कलर कैसा हो जाता है, यहाँ पे रेड। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ मैं, तो ये थे नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल। अब जो है हम बात करेंगे किसके, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है आपका, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इसके अंदर जो एग्जांपल आएंगे वो क्या होंगे, सबसे पहला आपका फिनोप्थलीन, ठीक है, यहाँ पे लिख लो ये आपका फिनोप्थलीन, ठीक है। फिनोप्थलीन की बात करूं तो ये आपका कैसा होता है, यहाँ पे कलरलेस होता है किसके अंदर, एसिड के अंदर, और यहीं पे अगर मैं बात करूँ कि इसकी बेस की, तो ये कैसा हो जाता है, पिंक, ठीक है भाई। जो सेकंड आपका वो क्या है, वो आपका मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज की अगर मैं बात करूँ तो मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर देता है आपका, एसिड में देता है रेड कलर और आपका उसके अंदर देता है आपका येलो कलर, ठीक है, किसके अंदर, बेस के अंदर, तो यहाँ पे आपका येलो कलर। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स,
ओल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ओल्फैक्ट्री इंडिकेटर के अंदर जैसे आपका ओनियन देखा होगा, ओनियन की स्मेल कितनी तेज होती है, ठीक है, ओनियन हो गया, वेनिला एसेंस, और जैसे आपका क्लव ऑयल, ठीक है, इनकी अगर मैं बात करूँ एसिड के अंदर, तो एसिड में जो है ये क्या करते हैं, नो स्मेल चेंज, ठीक है, कोई स्मेल चेंज नहीं होगी, इसका मतलब आप कह सकते हो रिटेन स्मेल, ये अपनी स्मेल को रख लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं बेस की, तो बेस के अंदर क्या होता है, बेस के अंदर क्या होता है, लूजेस स्मेल, ठीक है, वो स्मेल क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, या कह सकते हो कि कोई स्मेल यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो ओल्फैक्ट्री इंडिकेटर कोई भी स्मेल जो है वो नहीं आती, अगर बेस के अंदर डालोगे ओल्फैक्ट्री इंडिकेटर चेक करने के लिए कि बेस है या नहीं है। अब फोर्थ नंबर की मैं बात करूं, तो फोर्थ पे आपका आ जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर की मैं बात करूं, तो इसके एग्जांपल क्या है, तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका पीएच पेपर, या कह सकते हो पीएच, या फिर पीएच स्केल, ठीक है, और दूसरा आपका एग्जांपल है रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या है यहाँ पे, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, ये भी एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, अलग अलग कलर यहाँ पे आपका ये दिखाता है, ठीक है। अब हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं जब एसिड बेस के बारे में, तो हम क्या करेंगे, अब एसिड बेस के बारे में एक बेसिक सा डिफरेंस जो है हम करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंस किसके अंदर, एसिड और बेस के अंदर। मान लो आपसे पूछ ले कि एसिड बेस में बताओ भैया डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ टेस्ट की, तो जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, यहाँ पे दे हैव अ सोर टेस्ट, इनका सोर टेस्ट होता है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ बेस की, तो बेस का दे आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, क्योंकि सोप जो है वो इन्हीं से बनते हैं, बेस से। उसके बाद सेकंड बात करेंगे, सेकंड जो डिफरेंस होगा वो होगा लिटमस पेपर पे बेस्ड। तो सेकंड क्या है, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू जो आपका रेड। उसके बाद यहीं पे अगर मैं बात करूँ बेस की, तो ये क्या करेंगे, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ये क्या करते हैं, ब्लू में जो है चेंज कर देते हैं। उसके बाद अगर थर्ड की मैं बात करूं कि थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या रहेगी, तो वो डेफिनेशन पे है कि ये क्या करते हैं, दे गिव एच पॉजिटिव आयंस इन सॉल्यूशन, और यहाँ पे दे गिव ओ एच माइनस आयंस इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक डिफरेंस ये हो गया आपका। अब बात करें एग्जांपल, तो एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको पीछे लिखवा चुका हूँ, वहाँ से आप लिख सकते हो बहुत सारे एसिड के और बहुत सारे बेस के एग्जांपल। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है रिएक्शन। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस,
तो एसिड और बेसिस की हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, रिएक्शन पढ़ेंगे। तो रिएक्शन के अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ठीक है, मेटल की रिएक्शन देखनी है हमें एसिड के साथ। तो सबसे पहले जो एक एग्जांपल से देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखेंगे और सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एसिड की मेटल, तो कोई एसिड का आप एक एग्जांपल लीजिए। ठीक है, जैसे एसिड की मैं बात करूँ तो आपका HCl प्लस कोई भी मेटल जैसे Na, तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे एच और सी एल अलग हो जाएंगे और आपका सी एल एन ए के साथ क्या करेगा, कंपाउंड बना लेगा एन ए सी एल और आपका हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस कर सकते हो आप, यहाँ पे आपका टू आएगा तो यहाँ पे भी टू आएगा और यहाँ पे भी टू आएगा, तो ये आपकी बैलेंस हो गई। यहाँ पे क्या क्या यूज़ हो रहा है आपका, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ पे है आपका सोडियम, यहाँ पे आपका बन गया सोडियम क्लोराइड और ये आपकी बन गई हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, ये हो गया। तो यहाँ पे जो जनरल स्ट्रक्चर चल रहा है वो क्या चल रहा है कि आपका एक एसिड है, जब वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के साथ, तो आपका क्या बनेगा, एक रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा उस मेटल का और आपका साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। ये आपका जनरल ट्रेंड चल रहा है। तो आप यहाँ पे जो है वही लिखेंगे कि व्हेन एन एसिड, लिखेंगे व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल रिस्पेक्टिव सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है भाई, ये हो गया आपका एक जनरल स्टैंडर्ड। अब आप क्या करोगे, आप कुछ और एग्जांपल देखोगे। ठीक है, और एग्जांपल आपने इतने एसिड पढ़े हैं, ठीक है, और मेटल भी आपको पता है मेटल के बारे में भी, तो यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल जो है वो दे सकते हो। जैसे कोई भी एग्जांपल, मान लो आपने H2SO4 ले लिया, ठीक है, मेटल ले लिया आपने कैल्शियम, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी, साथ में कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम और ये कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, दो दो का एग्जांपल रख लेते हैं वरना हम कितने भी एग्जांपल दे सकते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लो, मान लो आपने ले लिया यहाँ पे H3PO4 और इसकी करवा दी आपने किससे रिएक्शन, एल्यूमिनियम से, यहाँ पे क्या बन जाएगा, Al3PO4 और साथ में आपका H2 जो है रिलीज हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 किसे किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ आपकी 6 से, ये हो गई आपकी बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये बन गया फॉस्फोरिक एसिड, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन और ये बन गया आपका एल्युमिनियम फॉस्फेट। ठीक है, ये थी आपकी रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल, वो एसिड की मेटल के साथ थी। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। तो वही एक एग्जांपल से हम समझेंगे। यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कोई भी बेस आपने, जैसे NaOH ले लिया, तो इसकी किसी मेटल से कराएंगे। ठीक है, मान लो मेटल आपने यहाँ पे ले लिया, कोई भी मेटल जो है आप यहाँ पे ले लो। ठीक है, मान लो आपने ले लिया जिंक, तो यहाँ पे क्या होगा,
ठीक है, जब आपने ले लिया तो यहाँ पे जो कंपाउंड, ये भी मेटल है तो रिप्लेस तो करेंगे नहीं, लेकिन क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, और ये क्या बनाएंगे यहाँ पे Na2ZnO2, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या क्या है ये, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये सोडियम जिंकेट, क्या बना रहा है यहाँ पे, सोडियम जिंकेट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका जनरल स्टैंडर्ड है वो लिख सकते हैं, तो जनरल स्टैंडर्ड आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, जनरल स्टैंडर्ड आ जाएगा आपका कि बेस रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ तो क्या बन रहा है, रेस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है। तो बन क्या रहा है यहाँ पे आपका कि व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद अ मेटल रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और फॉर्म्ड, ठीक है। अब और एग्जांपल के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पे और एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे आप NaOH की रिएक्शन करवा रहे हो किससे, एल्यूमिनियम से, तो यहाँ पे दोनों मेटल है तो क्या बनेगा, NaAlO2, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है उसका टेस्ट आप जो है, जैसे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करते हो उससे कर सकते हो, कैसे करते हैं कि एक बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक को जहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही वहाँ पे लाया जाता है, और अगर वो एक पॉप साउंड के साथ बंद हो जाती है, ठीक है, तो आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस है वो कन्फर्म हो जाएगा। तो आपके आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उसके बाद आती है आपकी रिएक्शन, थर्ड नंबर पे आती है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट की, तो पहले आपको यही पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनेट क्या है और बाइकार्बोनेट क्या है, ठीक है। तो मेटल आपको पता ही होगा, तो ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, मेटल प्लस कार्बोनेट आयन, ठीक है, तो मेटल प्लस कार्बोनेट आयन, तो मेटल कोई भी मेटल हो सकता है, कार्बोनेट आयन होता है आपका CO3 2-, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कार्बोनेट आयन, तो दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, मेटल कार्बोनेट बनता है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं, जैसे Na2CO3, ठीक है, K2CO3, CaCO3, MgCO3, ठीक है, ये सारे क्या हैं, मेटल कार्बोनेट के एग्जांपल हैं। और यहीं पे मैं बात करूं किसकी, मेटल बाइकार्बोनेट की, तो यहाँ पे भी वही सीन चलता है, बस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या फ़र्क है, एक हाइड्रोजन का, ठीक है, बाइकार्बोनेट के अंदर एक हाइड्रोजन का फ़र्क है, तो मेटल प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, जैसे एग्जांपल NaHCO3 KHCO3, तो यहाँ पे क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका पोटेशियम बाइकार्बोनेट,
ठीक है, ये आपके हो गए बाइकार्बोनेट। अब इनकी देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे करते हैं एसिड के साथ, और फिर देखेंगे कैसे करते हैं बेस के साथ। तो यहाँ पे बात आ गई किसकी, एसिड की। तो एसिड की अब बात आ गई, तो एक एग्जांपल लेंगे पहले, जैसे मान लो HNO3 है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दी आपने, HNO3 की रिएक्शन करवा दी K2CO3 से, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे, यहाँ से H हटेगा बचेगा NO3, यहाँ से K हटेगा और वहाँ पे जाएगा क्या बना लेगा KNO3। उसके बाद ये NO3 है, ठीक है, वो तो यहाँ चला गया। उसके बाद आपका एक H है और एक CO2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा H2O + CO2, ठीक है। H2O के लिए आपका HNO3 में जो है ट्वाइस आएगा, और यहाँ टू तभी यहाँ पे टू आएगा ओवरऑल में, ठीक है। तो ये रिएक्शन बनी यहाँ पे, यहाँ पे क्या क्या लिया हमने, सबसे पहले लिया हमने एक एसिड नाइट्रिक एसिड, हमने लिया एक मेटल कार्बोनेट, उसके बाद यहाँ पे आपका सॉल्ट, और लास्ट में आपका वाटर और कार्बन, ठीक है। ये आपके एक जनरल स्टैंडर्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया भाई आपका, यहाँ पे आपका बन गया कि वैन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल कार्बोनेट क्या क्या बनता है, सॉल्ट इज फॉर्म्ड विद इवोल्यूशन ऑफ CO2 and H2, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनता है, सॉल्ट और ये सब चीज़ें। यहीं पे अगर मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूं तो दूसरी क्या होगी, एक एसिड अगेन एक मेटल का कार्बोनेट है, लेकिन इस पर बाइकार्बोनेट है। तो इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा, सेम चीज़ें बनेंगी, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट बनेगा आपका, और यहाँ पे H2O और CO2, ठीक है। ये चीज़ें क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी आपकी, यहाँ पे H2O और CO2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एग्जांपल लेते हैं, जैसे एसिड आपने ले लिया H2SO4, मेटल बाइकार्बोनेट जैसे NaHCO3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा आपका Na2SO4 + CO2 और H2O बन जाएगा, ठीक है, सिंपली। तो मैंने मेटल कार्बोनेट, जब एक मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो भी सेम चीज़ें बनती हैं, इस वाले रिएक्शन को बैलेंस जो है कर लेंगे, यहाँ पे Na2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है, वैसे ज़्यादा आएगा क्योंकि वहाँ पे SO4, हाँ ठीक है ठीक है, यही आएगा। तो उसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ कि वेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट इज फॉर्म्ड विद इवोल्यूशन ऑफ CO2 and H2, ठीक है भाई। तो ये थी सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और एसिड के बीच में। सारे रिएक्शन इसी जनरल स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, ठीक है, यही प्रोडक्ट आपका बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और एग्जांपल्स ले सकते हो आप, जैसे HCl की रिएक्शन करवा दी आपने KHCO3 से पोटेशियम बाइकार्बोनेट से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले KCl और साथ में H2 और CO2
रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन गया पोटेशियम क्लोराइड। ऐसे ही वो रिएक्शन मान लो HNO3 की करवा रहे हो आप, ठीक है, इससे K2CO3 से, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, KNO3 plus H2O plus CO2, ठीक है। इस टाइप से आप बहुत सारे रिएक्शन करवा सकते हो। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का तो देख लिया था कि टेस्ट कैसे कराना है, अब CO2 का टेस्ट कैसे होता है। CO2 को पास करवाया जाता है किससे, लाइम वाटर से। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होता है COH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इससे जब हम CO2 को पास करवाते हैं तो बनता कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और साथ में वाटर। तो ये क्या करती है, जो लाइम वाटर है इसको टर्न कर देती है, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और उसके बाद अगर ज़्यादा CO2 पास करवाते हैं तो वो जो मिल्कीनेस है वो ख़त्म भी हो जाती है, डिसअपियर भी हो जाती है। अब आगे बात करते हैं कि जब बेसिस की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, आगे आ जाती है आपकी रिएक्शन। यहाँ पे हमने पढ़ी थर्ड या फोर्थ रिएक्शन है, तो रिएक्शन बिटवीन बेसिस एंड मेटल कार्बोनेट एंड बायकार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और बायकार्बोनेट की बेसिस के साथ क्या रिएक्शन होगी, ठीक है। तो बेसिस की अगर मैं बात करूं तो जो बेस हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल कार्बोनेट और बायकार्बोनेट के साथ। तो मतलब क्या है कि बेस प्लस मेटल कार्बोनेट, ठीक है, या फिर बेस प्लस मेटल बायकार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट होगा वो कुछ नहीं बनेगा, मतलब इन दोनों में रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि बेस इनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, फिफ्थ रिएक्शन, वो क्या है, जो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है, एक एसिड और बेस के बीच में क्या रिएक्शन होगी या कैसे रिएक्शन होगी हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करो एसिड, एक एग्जांपल ले लो एसिड, मान लो आपने ले लिया HCl, बेस ले लिया NaOH, तो यहाँ पे इनके अनायन कटायन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे NaCl plus H2O, ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे आपका क्या बना, सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो यहाँ पे मतलब में हो क्या रहा है एक्चुअल में, कि जब एक एसिड की एक बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और साथ में वाटर, ये आपकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन है, यहाँ पे आपका ये क्या है, एक सॉल्ट है। तो मतलब जब भी आप रिएक्शन करवा रहे हो एक एसिड की, एक विवेनन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, तो क्या बन रहा है आपका, रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, रिस्पेक्टिव सॉल्ट और वाटर जो है बन जाएगा। इसके आप और एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है, कोई भी एसिड ले लो, मान लो आपने ले लिया HNO3, कोई भी बेस ले लो, मान लो आपने ले लिया, ठीक है, Mg ले लो, ये भी बन जाए MgOH होल ट्वाइस, यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम का, तो MgNO3 होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट, और साथ में आपका क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप उसको बैलेंस करोगे, यहाँ पे टू लग जाएगा, ठीक है, तो और यहाँ पे भी आपका टू लग जाएगा, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले आपका नाइट्रिक एसिड, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका
मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है भाई। तो ये आपके जो है यहाँ पे रिएक्शन हो गई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब और एग्जांपल की बात करोगे आप तो और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई भी एसिड ले लो, मान लो आपने HCl ही ले लिया और आपने बेस ले लिया कोई, ठीक है, बेस मान लो आपने ले लिया KOH, तो यहाँ पे रिएक्शन होके क्या बनेगा, KCl प्लस वाटर, तो ये आपकी जो है रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि जब आप एक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ तो क्या होता है, तो यहाँ पे एक दूसरे को ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और यहाँ पे आपका एक सॉल्ट बनता है, ठीक है, और साथ में वाटर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करवा रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम भी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहते हैं, ठीक है, जब एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग कैसे बनता है, ठीक है, मतलब जो आपका सॉल्ट है उसके टाइप्स क्या हैं, अलग अलग तरीके के सॉल्ट कैसे बनते हैं। तो जब आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, रिएक्ट करे एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या वीक बेस के साथ कह लो, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें ज़्यादा असर किसका दिखेगा, एसिड का दिखेगा। तो यहाँ पे जो आपका सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट। उसके बाद यहीं पे अगर एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस की होती, ठीक है, तो आपके यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की होती तो सॉल्ट भी कैसा होता, बेसिक। उसके बाद मान लो एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो उस टाइम पे सॉल्ट भी कैसा बनेगा, न्यूट्रल, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर अगर दोनों इक्वल हों तो क्या होगा, मतलब दोनों वीक हों तो, इक्वल नहीं, दोनों अगर वीक हों तो क्या होगा, वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है, दोनों अगर इक्वल हों तो कहीं ना कहीं एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा तो वही डोमिनेट करेगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली सेम स्ट्रेंथ है लगभग तो भी यहाँ पे क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, और साथ में वाटर तो बनेगा ही, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक कंपाउंड्स, ठीक है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है, मतलब ऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड होगा, किसका, नॉन मेटल का, नॉन मेटल का कंपाउंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन मेटल का कंपाउंड जैसे नॉन मेटलिक ऑक्साइड जैसे SO2 CO2 NO2 एक्सेट्रा, ये क्या आपके नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करेंगे किसके, बेस के साथ, तो क्या होगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल मान लीजिए आप, बेस है तो ये हो गया NaOH, ठीक है, तो उसके बाद नॉन मेटल ऑक्साइड मान लो आप कर रहे हो CO2 से, तो क्या बनेगा, Na2CO3, ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन में हुआ क्या, बैलेंस जो है कर लोगे
कैसे होगी एन ए सी ओ थ्री, तो टू है सबसे पहले यहाँ पे टू आएगा, तो एन ए टू सी ओ थ्री, उसका एच टू हो गई बैलेंस। तो यहाँ पे जो है ये रिएक्शन हो गई। तो रिएक्शन में क्या देखा गया, हमने देखा रिएक्शन के अंदर कि जब एक बेस एक सी ओ टू या नॉन मेटलिक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कुछ कुछ सेम है किससे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, क्योंकि वहाँ पे क्या था, बेस प्लस एसिड जो है सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा था। इसका मतलब नॉन मेटलिक ऑक्साइड किस नेचर के होंगे आपके, ठीक है, किस नेचर के होंगे, यहाँ पे जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है, तभी तो वो बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये बातें लिख भी लेंगे कि यहाँ पे एज लाइक एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेस ईच अदर, ठीक है, तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो वैसे ही सो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स और एसिडिक इन नेचर, ठीक है, मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेसिस। उसके बाद यहाँ पे एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल ले लो, जैसे सी ए ओ एच होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन करवा दी एस ओ टू से, तो ये बनाएगा सी एस ओ फोर प्लस एच टू। ये सी ए था एस ओ फोर, तो टू आके वो एस ओ फोर के साथ रिएक्ट करेगा और एच टू जो है अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी एस ओ फोर एच टू ये जो है मैनेज कर लेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सेम प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब एक सॉल्ट बन रहा है और वाटर। जब भी जो रिएक्शन होगी किसकी, एक बेस की नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ, तो यही चीज़ें जो हैं बनेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, नेक्स्ट क्या आ जाएगी आपकी, सिक्स्थ सेवन्थ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन देखेंगे किसकी, एसिड्स की, ठीक है। तो क्या होगी रिएक्शन, एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे जो है होगी ये रिएक्शन। तो आप जो है सबसे पहले देखिए मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल के ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेटल ऑक्साइड के कुछ एग्जाम्पल, जैसे Na2O, K2O, CaO, ठीक है, Al2O3, MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सब किसके एग्जांपल है, मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल है, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन हमें देखनी है, ठीक है, इनकी रिएक्शन हमें देखनी है किसके साथ, एसिड के साथ। तो एक एग्जांपल से देखते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपके पास है कोई एसिड, मान लीजिए HCl है, उसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं किसके साथ, पोटेशियम ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना लेगा और एच और ओ एच मिलके
H2O बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिएक्शन को जो है आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हो, वो क्या है, HCl आपका एसिड हो गया, ये आपका मेटल ऑक्साइड, जिन्होंने मिलके क्या दिया, एक सॉल्ट दिया और वाटर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब एक रिएक्शन होगी, ठीक है, किसकी, एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ, तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। यहाँ पे आपने ध्यान दिया कि एसिड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड अगर किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह, और यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, मतलब मेटल ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, जैसे बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, ऐसे ही जो है मेटल ऑक्साइड न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिड को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लाइक इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लाइक इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, बेस न्यूट्रलाइजेस एसिड, सिमिलरली मेटल ऑक्साइड न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं मेटल ऑक्साइड। इसके आप और एग्जांपल जो है यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके आप रिएक्शन करवा रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप के। उसके मान लीजिए आप और एग्जांपल लेते हो, आपने ले लिया मान लो H2SO4 के साथ Na2O सोडियम ऑक्साइड ले लिया, तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट बनेगा और आपका साथ में H2O बनेगा, ठीक है। मान लीजिए आप ले लेते हो HNO3 और साथ में आपने ले लिया लिथियम ऑक्साइड, तो आपका क्या बनेगा, लिथियम नाइट्रेट प्लस H2O। मान लीजिए आपने ले लिया क्या कहते हैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तो आपने ले लिया सोडियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट प्लस वाटर, ठीक है। और एग्जांपल लेने हैं और ले लो आप, ठीक है। मान लीजिए आपने एग्जांपल ले लिया, एसिड ले लिया आपने, मान लीजिए HCl, उसके बाद आपने ले लिया यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे CuCl2 और साथ में H2O बन जाएगा। उसके अलावा मान लीजिए आपने ले लिया H2CO3 कार्बोनिक एसिड, यहाँ पे ले लिया आपने कैल्शियम ऑक्साइड, तो आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम, यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आपसे कई बार कहता है कि बताओ एसिड और बेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बाय एसिड एंड बेस। तो अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए चाहिए होते हैं फ्री आयंस या चार्ज्ड पार्टिकल्स, मतलब कह सकते हो मोबाइल आयंस, ठीक है, मोबाइल आयंस जो फ्रीली मूव कर सके, उनकी ज़रूरत पड़ती है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में। तो अगर एसिड बेसिस के पास ये होगा
तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें हम फ्री आयंस की, तो अगर एसिड बेसिस नॉर्मल हैं, ठीक है, ड्राई स्टेट में हैं, तो उनके पास आयंस नहीं होते। लेकिन अगर सॉल्यूशन में है, ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन के अंदर है एसिड बेसिस, तो क्या होता है, जैसे HCl है तो ये ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में, जैसे H2SO4 है तो ये ब्रेक हो जाता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस में, HNO3 है ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव प्लस NO3 माइनस में, ठीक है, H3PO4 है ब्रेक हो जाता है 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 माइनस में। ये तो रही बात किसकी, एसिड की। अगर मैं ऐसे ही बेस की बात करूं, तो जैसे NaOH है ब्रेक हो जाता है Na पॉजिटिव प्लस OH माइनस में, KOH है ब्रेक हो जाता है K पॉजिटिव प्लस OH माइनस में, सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है, और कुछ वाटर के भी आयंस हो जाते हैं H पॉजिटिव प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे जैसे MgOH होल ट्वाइस, तो ये आ गया आपका Mg2 पॉजिटिव प्लस OH माइनस के 2, ठीक है। उसके अलावा मान लें CaOH होल ट्वाइस, तो हो जाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस OH माइनस ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर सॉल्यूशन के अंदर होता है, ठीक है, इन सॉल्यूशन के अंदर अगर होता है वाटर के साथ, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन विद वाटर, तो यहाँ पे आपका क्या बनेंगे, ये आयंस बनेंगे, मोबाइल आयंस होंगे, ठीक है। और इन्हीं की वजह से ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोबाइल आयंस इन सॉल्यूशन विद वाटर एसिड एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक डायग्राम, जैसे मान लीजिए आपका सेटअप है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, ये आपका सेटअप है, यहाँ पे आपके टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेके आ रहे हैं, ठीक है, आपका सर्किट है पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, एनोड है और ये आपका कैथोड है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन आपने कोई एसिड लिया हुआ है, ठीक है, अब एसिड लिया हुआ है, मान लीजिए आपने लिया हुआ है HCl लिया हुआ है, तो HCl क्या है, वो ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर Cl, तो H पॉजिटिव या यहाँ से जो है इधर जाएंगे Cl माइनस पॉजिटिव की तरफ और H पॉजिटिव माइनस की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो ऑफ आयंस होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ये मूव करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन टेक प्लेस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो है होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है पीएच। पीएच की मैं फुल फॉर्म की बात करूं, तो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी पोटेंश हाइड्रोजन, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इससे हम क्या मेजर करते हैं कि जो हाइड्रोजन उसका पोटेंशियल कितना, जिससे हम बता पाते हैं कि जो आपका एसिड है या बेस है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, वो कितना स्ट्रोंग है या वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये मेजर करता है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि क्या मेजर करता है, मेजर्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है उसको जो है ये मेजर करता है, ठीक है। तो भाई ये बात हो गई किसकी, पीएच की। अब पीएच की अगर मैं वैल्यू की बात करूं,
ठीक है, तो आपको भी एक पीएच स्केल शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको देखो, आप पीएच स्केल को देखो, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर 0 से लेके 14 तक वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। तो आपने देख लिया, अब मैं आपके लिए एक ड्रॉ भी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा जो आपको अभी पीएच स्केल दिखा था, जिसके ऊपर यहाँ पे 0, मिड में 7, यहाँ 14 और बीच में यहाँ पे बीच की वैल्यूज लिखी हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा कि जो 7 होता है उसको बोला गया है न्यूट्रल, इस तरफ है बेसिक या बेस और इस तरफ है एसिड, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर वो कम होती जा रही है, ठीक है। ये OH माइनस की कंसंट्रेशन है, वो बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। और यहाँ आपकी मिड में इक्वल के करीब है, फिर आपकी ये कुछ इस तरीके से, ये OH माइनस की कंसंट्रेशन है, ये आपकी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इससे जो है आप बताते हो H पॉजिटिव की ज़्यादा कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा एसिडिक नेचर, कम मतलब कम एसिडिक, OH माइनस ज़्यादा मतलब ज़्यादा बेसिक, तो इस तरफ स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसकी इस तरफ स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको ये पता चला, उसके बाद अब जो है क्या होगा, आपको कुछ जो जनरल पीएच, कुछ कॉमन पीएच वैल्यूज जो है वो मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर बात करें हम ब्लड के पीएच की, ठीक है, किसके पीएच की बात करें, हम ब्लड के पीएच की बात करें, तो जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है आपका, लगभग 7.4 होता है, मतलब बेसिक होता है, ठीक है। अब बात करूँ मैं किसकी, सलाइवा की, तो सलाइवा अगर आप मेज़र करते हो बिफोर मील, तो बिफोर मील आपका सलाइवा बेसिक रहता है, लेकिन जैसे ही आप खाना खा लेते हो तो उसमें जो है डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, एसिड्स वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, तो ये 5.8 हो जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ अगर लेमन जूस की, तो लेमन जूस का पीएच जो है वो 2.5 के करीब है। उसके बाद मैं आपकी ड्रिंक्स की बात करूँ, एरेटेड ड्रिंक्स जो आपकी पेप्सी वगैरह आती है, 6 के आसपास रहता है, ठीक है। कैरेट जूस का भी इतना ही रहता है, कैरेट जूस की बात करूँ मैं तो, ठीक है। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी का थोड़ा सा कम होता है, 5 होता है, ठीक है। उसके बाद टमाटो जूस की बात करें तो टमाटो जूस इसका होता है आपका 4.1। उसके बाद अगर बात करेंगे हम वाटर की, ठीक है, तो जो वाटर होता है यहाँ पे आपका डिस्टिल्ड वाटर, इसका कितना होता है आपका 7 होता है पीएच, ठीक है, कितना होता है भाई 7 होता है। उसके बाद आप बात करो जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारी चीज़ें हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, उसका कितना होता है लगभग 10 से 11 पीएच रहता है। उसके बाद आप बात करो ड्रेन क्लीनर या सोप वगैरह का, ठीक है, ड्रेन क्लीनर जिसका 14 रहता है, सोप हो गया, डिटर्जेंट, ठीक है, इनका भी आपका 10 से 11 के बीच में रहता है, सोप एंड डिटर्जेंट का, ठीक है, 10 के आसपास, 9 से 10 भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड का 1 के आसपास रहता है, बेकिंग सोडा वगैरह का भी 9 के आसपास रहता है, बेकिंग सोडा ये भी आपका 9 से 10 के बीच में रहता है, ठीक है। ये थे आपके कुछ कॉमन क्या पीएच वैल्यूज़, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे पीएच क्या है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, क्योंकि अलग अलग कलर दिखाता है, आपको कलर बैंड दिख रहा होगा, ठीक है, ये अलग अलग कलर जो है शो करता है पीएच। तो पीएच पेपर क्या है, ये इट इज़ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो एसिड की तरफ थोड़ा रेड और फिर येलो और फिर ग्रीन और फिर लास्ट में जो स्ट्रॉन्ग बेस है उनकी तरफ जाके क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं आपका, ये है पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल जिससे हम पता लगा लेते हैं कि जो वैल्यू है
जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, ठीक है। अब मेजर क्या करते हैं, हम मेजर सिर्फ और सिर्फ एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन करते हैं। कैसे करते हैं, जो अगर आपकी एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज हाई, ठीक है, तो क्या होगा आपका एसिड होगा, ठीक है। दूसरा अगर मैं कहूँ कि इफ एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद इफ एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज लो, कम है, तो क्या होगा बेस। और उसके बाद इफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज वेरी लो, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और तीसरी कंडीशन यहाँ पे लास्ट, मतलब फिफ्थ कंडीशन जो बच गई वो क्या है, इफ एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ओ एच माइनस कंसंट्रेशन, तो उस केस में आपका क्या होगा, वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में पीएच कैसे रोल प्ले करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है, आपको पता होना चाहिए और आप इससे रिलेट भी कर पाओगे कि डेली लाइफ में पीएच जो है आपको कैसे इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच कैसे काम करता है, तो जैसे ही हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे स्टमक के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है जिसके बिहाफ पे वो क्या करता है, HCl बनाना शुरू कर देता है, HCl रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले व्हेन वी स्टार्ट ईटिंग आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl, वो क्या प्रोड्यूस करता है, HCl, ठीक है, जिसको हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। दिस हेल्प्स अस इन डाइजेशन, ये हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये बहुत ही एक्सेस में जो है रिलीज हो जाता है, ठीक है, एक्सेस वगैरह में रिलीज हो जाता है। तो नॉर्मली आवर बॉडी जो है वो क्या करती है, हमारी बॉडी प्रोड्यूसेस नियरली सेम अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, बट समटाइम्स HCl इज रिलीज इन एक्सेस, ठीक है, एक्सेस में रिलीज हो जाता है, उसकी वजह से क्या आता है, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो दिस causes too much pain in stomach ulcers, ठीक है, stomach ulcer हो जाते हैं इससे, and irritation, और irritation वगैरह भी हो जाती है। तो इसका इलाज क्या है, हमें medicine लेनी पड़ेंगी कुछ, ताकि इसको हम क्या कर सकें, neutralize कर सकें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी हैव टू
टेक सर्टेन मेडिसिंस टू अवॉइड और गेट रिलीफ फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. दीज मेडिसिंस आर नोन एज एंटासिड्स. इन्हें हम क्या कहेंगे, एंटासिड कहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बात आ जाएगी एंटासिड की. तो एंटासिड क्या है, एंटासिड्स आल्सो, एंटासिड आर आल्सो बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइजेस एक्स्ट्रा HCl इन स्टमक. ठीक है भाई, तो ऐसे pH काम करता है किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में. ठीक है, सेकंड आपका जो आ जाता है वो क्या है, वो है pH इन टूथ डिके. तो टूथ डिके के अंदर pH कैसे काम करता है, तो आप सबको पता है कि जो हमारा जो माउथ है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं. ठीक है, तो आप सबको पता है कि आवर माउथ इज फुल ऑफ बैक्टीरिया. उसमें से कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, सम बैक्टीरिया आर वेरी हेल्पफुल. ठीक है, बट सम कॉजेज हार्म एंड आल्सो लेड टू टूथ डीके. ठीक है, जिसकी वजह से टूथ डीके भी हो जाता है. तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कि देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया विच यूज शुगर्स एज देयर फूड एंड रिलीज एसिड्स एज वेस्ट. ठीक है, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस आवर माउथ बिकम एसिडिक एंड इट्स pH लोअर स्टॉन. ठीक है, और उसका pH क्या हो जाता है, कम हो जाता है एंड दिस एसिड लेड टू टूथ डिके. और इस एसिड की वजह से क्या होता है, टूथ डिके होता है. तो इसको अवॉइड करने के लिए टू प्रोटेक्ट आवर टीथ वी यूज टूथपेस्ट. ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट विच इज बेसिक इन नेचर, जो भी बेसिक होती है नेचर में. ठीक है, एंड न्यूट्रलाइजेज द एसिड इन माउथ. ठीक है, और उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, टूथ कैविटी से. ठीक है भाई, तो ऐसे टूथ डीके में भी क्या यूज़ हुआ, पीएच यूज़ हुआ कि बेस जो है बनाना है टूथपेस्ट को. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड आ जाता है आपका पीएच ऑफ सॉइल. अब सॉइल का पीएच निकालने से पहले आपको मेज़र करना पड़ेगा कि सॉइल का पीएच क्या है. ठीक है, अब सॉइल का पीएच आप मेज़र कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सॉइल का सैंपल लेना है. ठीक है, आप कहीं का भी, जैसे मान लो आप अपने फील्ड का जो है टेस्ट करना चाहते हैं, अपने गार्डन का,
तो आपको क्या करना है, वहाँ से थोड़ी सी सॉइल लेनी है और उसको वाटर में डिजोल्व करना है, ठीक है। वाटर में डिजोल्व करके आप उसका क्या करोगे, पीएच टेस्ट करोगे, पीएच पेपर से या लिटमस पेपर से भी आप सिंपली कर सकते हो कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेक सॉइल एंड मिक्स इट इन वाटर, उसको वाटर में जो है आपको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको टेस्ट करना है, टेस्ट इट यूजिंग लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर का यूज़ करके उसको आपको टेस्ट करना है डेट आइदर इट इज़ बेसिक और एसिडिक, कि आपकी सॉइल जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। क्योंकि जो सॉइल है, अगर आपको उससे मैक्सिमम जो है प्रोडक्ट लेना है तो वो ज़्यादातर आपकी न्यूट्रल होनी चाहिए, ना ज़्यादा एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। मीडियम रेंज के अंदर वो होनी चाहिए। और अगर आपकी सॉइल जो है वो ज़्यादा एसिडिक या बेसिक है तो आपको उससे अपोजिट चीज़ मिला के उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है, यहाँ पे आप उसका टेस्ट कर लेंगे एसिड है या बेस है। तो आपके पास दो कंडीशन बनेंगी, इफ़ सॉइल इज़ मोर एसिडिक, अगर आपकी सॉइल जो है ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है तो आप क्या करेंगे, यू कैन यूज़ बेस, ठीक है। आप बेस यूज़ कर सकते हैं या कह सकते हैं आप बेसिक सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं, सब्सटेंसेस सच एज, बेसिक सब्सटेंस में आपके क्या आ जाएगा, जैसे चौक, क्विक लाइम, ठीक है, स्लेक्ड लाइम, ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ कर की जा सकती हैं एक्सेट्रा टू न्यूट्रलाइज इट, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। लेकिन दूसरा केस आपके पास क्या बनेगा, कि जो है आपका कैसा बन जाए, यहाँ पे सेकेंड केस आपका क्या बन जाएगा, इफ सॉइल इज मोर बेसिक, अगर आपकी सॉइल जो ज़्यादा बेसिक है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ एसिडिक सब्सटेंसेस। एसिडिक सब्सटेंसेस में आपका क्या आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे सब्सटेंसेस लाइक मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, उसके बाद अमोनिया, इस टाइप की चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेड प्लांट्स और एनिमल्स का जो डिकम्पोजिशन होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे कंपोस्ट वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक्सेट्रा टू न्यूट्रलाइज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका आ जाता है यहाँ पे फोर्थ, वो क्या है, एसिड रेन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा था कि जो एसिड रेन है वो क्या होती है। तो एसिड रेन जो है आपकी, जो गाड़ियों वगैरह से जो पोल्यूशन जो आपका निकलता है, ठीक है, जो स्मोग वगैरह रिलीज होता है आपका, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर दो हार्मफुल जो है गैसेस निकलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो आपकी, वो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये आपकी ऊपर चली जाती हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो है पोल्यूशन होता है व्हीकल्स का, ठीक है, उसमें से आपकी दो चीज़ें निकलती हैं, पहली आपकी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। ये दोनों चीज़ें जो हैं जो है रिलीज होती हैं, रिलीज होने के बाद ये जब ऊपर जाती हैं, स्काई के अंदर जाती हैं ये चीज़ें, तो वहाँ पे आपको क्या होता है, ये जो वाटर है ऊपर उसके साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये गैसेज ऊपर गई, ये गई आपकी SO2 और NO2, ठीक है, ये चली गई आपकी, ये ओ भाई बढ़ाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका वाटर था, ठीक है, जो आपका क्या बनाएगा, क्लाउड्स बनाएगा, ठीक है, ये उसके साथ मिक्स हो गई वाटर के साथ,
और वाटर के साथ मिक्स होके इसने क्या फॉर्म कर लिया आपका, इसने बना लिया आपका सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड। ठीक है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फॉर्मूला पता ही है आपको, और नाइट्रिक एसिड HNO3, ये दोनों जो है अलोंग विद रेन, रेन की फॉर्म में जो है ये नीचे आते हैं, यहाँ पे आपकी रेन है और इसी को फिर हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। ठीक है भाई, समझ आया होगा आपको कि एसिड रेन जो है कैसे बनती है। तो अब ये जो एसिड रेन है इसका जो है pH कितना होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो pH ऑफ एसिड रेन होता है आपका कितना, इज 5 to 6, 5 से 6 के बीच में होता है। तो ये आपका जो है हार्मफुल होता है एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, इट इज हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो ठीक है, मतलब ये आपका कई बार क्या होता है कि रेन के साथ वो आपका रिवर्स के थ्रू ओशियंस में भी पहुंच जाता है, वहाँ पे ओशियन जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो भी जो है इसकी वजह से मर भी जाते हैं, प्लांट जो है सूख जाते हैं आपके, ठीक है, वो उनकी लीव्स जो है गिर जाती हैं, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हो कि व्हेन एसिड रेन रीचेज ओशियंस इट हार्म एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, वो उनको हार्म करती है। तो यहाँ पे भाई आपका इसके लिए यूज़ क्या किया जाता है, आपका यूज़ किया जाता है बेस जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे है टू न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका न्यूट्रलाइज दिस एसिडिक बिहेवियर ऑफ ओशियंस एंड लेक्स। क्या ऐड करते हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड इनटू इट। ठीक है भाई, तो ये थे आपके कुछ पीएच के एग्जांपल्स डेली लाइफ में। ठीक है, अब हम करेंगे आपके क्या, तो आपके जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहले कंपाउंड आ जाएगा, तो यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स की हम बात करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी के अंदर आपका सबसे पहला कंपाउंड आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में हम इन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, मतलब इनके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे और आपका वहीं से जो है क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि ये जो है केमिकल नेम है। ठीक है, किसका, तो आपको इसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो केमिकल फॉर्मूला होता है आपका सोडियम क्लोराइड का NaCl, और इसका कॉमन नेम आपका क्या होता है भाई, कॉमन सॉल्ट, या तो इसको आप क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं, या फिर आप इसको क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोल देते हो। ठीक है भाई, कॉमन सॉल्ट या फिर आपका टेबल सॉल्ट। ठीक है, ये है इसका कॉमन नेम। अब बात करते हैं कि ये कैसे जो है आपका बनता है। ठीक है, तो कैसे बनता है ये आपका देखते हैं। ठीक है, तो आपने जो है पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, सबसे पहले बेस पढ़ा है कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपकी रिएक्शन से बनता है किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों की जो है रिएक्शन से ये आपका बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो HCl, तो मिलके जो है आपका क्या बनाते हैं, यहाँ पे ये आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, NaCl प्लस H2। ठीक है भाई, NaCl प्लस H2 यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे आपका NaCl क्या है, ये सोडियम
क्लोराइड। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बन गया, ठीक है। कैसे कैसे बना? रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, इन दोनों के रिएक्शन से आपका बन गया। अब इसके बारे में जो थोड़ी बातें करते हैं, सबसे पहले देखिए ये है आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस, HCl है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, आपका एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें क्या हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग आपकी, तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। और इसका pH जो है वो कितना होगा, लगभग 7 के आसपास होगा, क्योंकि न्यूट्रल का कितना होता है आपका 7 के आसपास होता है। उसके बाद NaCl आपका कुकिंग में वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। और साथ साथ आपकी जो है जो और केमिकल बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, तो ये बात आपको जो है पता होनी चाहिए। तो इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग, ठीक है, कुकिंग में यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज इन प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। और इससे और भी कई यूजफुल आपके केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से बनते हैं ये भी हम आगे इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग NaCl, तो NaCl आपको कहाँ से मिलता है, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए कि आपको NaCl जो है कैसे मिलता। तो सबसे पहले फ्रॉम सी वाटर, ठीक है, सी वाटर से कैसे मिलता है भाई, इवेपोरेशन, ठीक है भाई। तो क्या किया जाता है, आपको जो सी वाटर उसको बड़े बड़े उस पर फैला दिया जाता है बेड्स की फॉर्म में, और धूप की वजह से पानी जो है उड़ जाता है, और ठीक है, और आपका जो है नीचे NaCl रह जाता है, बाद में उसको जो आपका प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड मेथड होगा, सेकंड मेथड क्या है, फ्रॉम रॉक सॉल्ट, ठीक है, रॉक सॉल्ट वगैरह से आपका मिलता है, या फिर इन क्रस्ट इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट या कंपाउंड, ठीक है, रॉक सॉल्ट या क्रस्ट की फॉर्म में, जहाँ पे किस में प्रेजेंट है आपका, सॉल्ट या कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वहाँ से तो आपका लेना। अभी रॉक सॉल्ट में जो है क्रस्ट के अंदर कैसे गया, तो आपको पता है बहुत टाइम से जो है अर्थ की जो चेंज होती आ रही है, जो आपकी जो दिखती है या जो चीज़ें जहाँ हैं, हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो जैसे आपका हिमालयंस का बोला जाता है कि यहाँ पे क्या था, पहले आपका टेथिस सी था, फिर आपका ये सब हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ, जैसे टेथिस सी था उसका पानी का अंडरग्राउंड ही तो हो गया, तो वहाँ पे आपको किस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, बताओ फटाफट किस फॉर्म में मिलेगा आपको, ये कंपाउंड फॉर्म में, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा आपसे कि इसका यूज़ क्या है कुकिंग, और साथ साथ इससे और भी केमिकल कंपाउंड आपके बनते हैं। तो कौन कौन से बनते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कौन कौन से बनते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आपका सोडियम वो है NaCl है, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या ऐड किया, वाटर, तो ये आपका क्या हो गया, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, NaCl प्लस वाटर आपका क्या हो गया, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो ब्राइन सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं, जब इसका आपका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, तो उस टाइम पे क्या क्या बनता है ये हम जो है यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको
सेटअप पता होना चाहिए कैसा होता है, तो कुछ इस तरीके का, ठीक है। ब्रैन सॉल्यूशन है NaCl प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका कैसे होगा सेटअप वो देखते हैं। तो ये है आपका बीकर वगैरह मान लीजिए, इसके अंदर दो आपके टर्मिनल होंगे, ठीक है। तो दो टर्मिनल होंगे, एक आपका होगा नेगेटिव एक पॉजिटिव, बैटरी कनेक्ट करोगे तो मान लो कुछ ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये वाली साइड है पॉजिटिव, ये वाली साइड आपकी नेगेटिव, ठीक है भाई। तो अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर सबसे पहले पॉजिटिव है तो आपका कैथोड और ये आपका एनोड। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लिक्विड लिया होगा ठीक है, जो लिक्विड लिया होगा वो क्या होगा आपका ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है आपका ब्राइन सॉल्यूशन। तो अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपकी समझने वाली बात कि यहाँ पे ऑलरेडी NaCl प्लस H2O, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये आपका क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कैसे ब्रेक होगा आपका, जो NaCl था ये आपका टूट जाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में, जो H2O आपका ये टूट जाता है H पॉजिटिव प्लस OH माइनस में। तो ये जो चीज़ें बन जाती हैं, अब देखो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल था या नेगेटिव, तो अभी सॉल्यूशन के अंदर जो है आपकी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बन गई। तो यहाँ पे आपने देखा कि Na पॉजिटिव और Cl माइनस, ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस OH ने मिलके जो है Na OH बना लिया। अब ये जो H पॉजिटिव है ये नेगेटिव एनोड पे डिस्टर्ब वो होगा, ठीक है, यहाँ पे इन सॉल्यूशन। उसके बाद H पॉजिटिव आपका जो है किस पे होगा, एनोड पे, ठीक है। तो एनोड पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव मिलके आपका क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। ऐसे ही आपका है एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा भाई, आपका सी एल माइनस किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, तो वहाँ जुड़ के आप तुम्हारा क्या बना लेगा, टू सी एल मिल के क्या बना लेंगे, सी एल टू, ठीक है। तो आपके जो प्रोडक्ट बने वो क्या क्या बने, सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद हाइड्रोजन गैस और आपकी क्लोरीन गैस, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे बन गई। तो ये हमने क्या किया, एक तरीके से हमने किया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो पहले देखते हैं कि जो आपका ये प्रोसेस है इसका जो है इसकी रिएक्शन क्या होती है। तो इसकी रिएक्शन होती है आपकी NaCl प्लस वाटर, आपने क्या करवा दिया यहाँ पे भाई, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस आपने करवा दिया। तो आपके प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे यहाँ पे, आपके प्रोडक्ट बने NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। बैलेंस करना है आपको, कर सकते हो, Cl2 है तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा और वहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, और H के आगे 2 लग गया तो आपका यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो H2 के भी आगे क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इस रिएक्शन का आपका नाम क्या है, ये इतनी स्पेशल रिएक्शन है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है ब्राइन सॉल्यूशन का, तीन तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, क्या नाम है भाई इसका, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है भाई, क्लोर एल्कली प्रोसेस इसका नाम है, ठीक है। अब जो यहाँ पे प्रोडक्ट बने उनका क्या क्या यूज़ है आपका, ये आपसे अगर पूछ ले तो आपको क्या बताना है,
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बना था, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इससे स्टार्टिंग करें तो आपकी ये कहाँ यूज़ होती है, तो आपकी ये जो फ्यूल वगैरह की तरह ज़्यादा यूज़ होती है, तो इट इज़ यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल, ठीक है, रॉकेट फ्यूल के लिए तो आपकी यूज़ होती है। आल्सो मेकिंग अमोनिया, ठीक है, अमोनिया बनाने में भी आपका यूज़ होता है, और अमोनिया जो आगे किस में यूज होता है, फर्टिलाइज़र वगैरह, ठीक है। तो ये तो थी बात किसकी, हाइड्रोजन गैस की। अगर हाइड्रोजन गैस से आगे बात करें तो आगे क्या आपका, क्लोरीन गैस। अगर क्लोरीन गैस की बात करोगे तो क्लोरीन गैस जो है एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है, तो उसके पर बेसिस पे इसके यूज़ भी थोड़े से ज़्यादा हैं। तो क्या क्या यूज़ हैं इसके जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका यूज़ है कि इट इज़ यूज़ इन वाटर, ठीक है, वाटर को जो है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको साफ करने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट वगैरह करने के लिए, पीवीसी पाइप बनाने के लिए, पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पीवीसी बनाने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स की तरह, ठीक है, सीएफसी की तरह, सीएफसी में यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज़ यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, उसके बाद आपकी किसके अंदर होगी, इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने में, तो क्या मैन्युफैक्चर करने में, जो आपका ये होता है, ठीक है, क्लोरीन गैस है तो मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी आपका यूज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आपके एज अ डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होती है आपकी, और भी चीज़ें में यूज़ होती है, कहाँ है, इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको बनाने में यूज़ होती है, उसके अलावा आपका जो HCl है उसको बनाने में इसका यूज़ होता है। उसके बाद तुम्हारा जो नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे वो आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका किस में यूज है, इससे पेपर सोप वगैरह बनते हैं, डिटर्जेंट ये एक बेसिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो आ जाएगा यूज्ड इन डिग्रीसिंग ऑफ, ठीक है, यूज इन डीग्रीसिंग ऑफ एलिमेंट्स, या मेनली मेटल्स वगैरह की डीग्रीसिंग में यूज होता है। उसके बाद पेपर सोप डिटर्जेंट ये सब बनाने में यूज इन, ठीक है, तो यूज इन मेकिंग, किस किस चीज में बनाने के काम आती है मेकिंग, पेपर सोप, ठीक है, पेपर सोप डिटर्जेंट, ठीक है, ब्लीच एक्सेट्रा, ये क्या है, इन तीनों के भाई यूज़ हैं। अब आपके देखते हैं स्पेशल जो कंपाउंड हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से कंपाउंड आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं।
तो सबसे पहला इसके अंदर आ जाएगा आपका, पहला तो आपने पढ़ लिया ठीक है, कौन सा, सोडियम क्लोराइड। अब दूसरा, दूसरा इम्पोर्टेंट कंपाउंड क्या आता है आपका, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये तो है भैया इसका क्या, केमिकल नेम। क्या है ये इसका, केमिकल नेम। तो अब आपको जो लिखना है वो क्या है, आपको तीन नाम पता होने चाहिए आपको, केमिकल नेम ठीक है, वैसे केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और इसका कॉमन नेम। तो आपको ये दे रखा है इसका कॉमन नेम, तो यहाँ पे आप केमिकल फॉर्मूला देखोगे, केमिकल फॉर्मूला आपका क्या हो गया, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर है तो होता है CaOCl2। इसके नेम की बात करोगे ठीक है, केमिकल नेम की बात करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, केमिकल नेम क्या हो गया यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और हम यहाँ पे जान लेते हैं, जैसे इसके और नाम की बात करूँ तो इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। ठीक है, क्लोराइड ऑफ लाइम कैसा होता है, सॉलिड ठीक है, एंड येलो इन कलर। कैसा होता है आपका, सॉलिड होता है और कलर में कैसा होता है आपका, येलो। तो उसके बाद कैसे जो इसको बनाया जाता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बनाया जाता है इसको, तो आपका कैल्शियम ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे देखो ये क्या है, इट इज सॉलिड एंड येलो इन कलर। सॉलिड और येलो कलर का होता है, कैसे बनता देख लेते हैं। तो आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसकी रिएक्शन होती है आपकी क्लोरीन गैस से, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर ठीक है। तो ये रिएक्शन आ जाती है जिसके अंदर ये आपका ठीक है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर, आगे और देखते हैं इसके बारे में। तो आपने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर जो है बनता कैसे, इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो कि जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है। तो अब यहाँ पे अगर इसके नेचर की बात करोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो कि वाटर सॉल्यूशन और ब्लीचिंग पाउडर इज कैसा होता है, उसका नेचर बेसिक इन नेचर। उसका नेचर होता है भाई आपका बेसिक, बेसिक नेचर होता है, इसीलिए आगे देखेंगे कि इसका यूज़ भी क्या है आपका ठीक है, इसी से मिलता जुलता आपका यूज। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि जो आपका ब्लीच है इसका क्या मतलब। ब्लीच का मतलब होता है आपका कि किसी भी चीज़ से कोई कलर आपका हटा देना। आपने अक्सर सुना होगा स्पेशली गर्ल्स ने कि ब्लीचिंग क्या होता है, ब्लीच ब्लीचिंग इस टाइप की चीज़ें। तो आपका जो है ब्लीच का मतलब क्या होता है, ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर ठीक, किसी चीज़ से कलर का हटा देना। तो आपका अगर फेस का ब्लीच होता तो आपका फेस का कलर हट जाएगा, मतलब आपका थोड़ा सा वाइटनेस आ जाएगी चेहरे पे, ये होता है ब्लीच का मतलब ठीक है। तो उसके बाद जो है इसके यूजेस क्या क्या हैं आपके ब्लीचिंग पाउडर के, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है।
तो यूजेज में बात करूँ अगर मैं, तो सबसे पहले यूज़ की बात करूँ तो आपका ये डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि इसमें क्लोरीन है तो क्लोरीन वाले ही इसके यूज़ रहेंगे ज़्यादातर, तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड एज एन, इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट टू किस लिए, टू क्लीन वाटर, वाटर वगैरह, ठीक है, उसके बाद वीड किलर भी ये हो सकता है एक्सेट्रा। उसके बाद दूसरे यूज़ की बात करोगे तो दूसरा यूज़ क्या है आपका, ये ब्लीच करने के काम आता है, कहाँ कहाँ आता है, इट इज़ यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर ब्लीचिंग ऑफ किस किस का, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसके अलावा और ऑफ वुड, ब्लीचिंग ऑफ वुड कहाँ पे, ब्लीचिंग ऑफ वुड, ऑफ वुड पल्प, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है ब्लीच करने के लिए कॉटन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और उसके बाद आपको वुड का जो है, वुड पल्प की, वुड का, ऑफ वुड, ऑफ वुड पल्प कहाँ पे, इन पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आपका जो है थर्ड क्या आ जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर होता है क्लोरीन, क्लोरीन का होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो इसका भी क्या आ जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो यहाँ पे आपका ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, इसको यूज़ किया जाता है, इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, इन मैनी इंडस्ट्रीज, ठीक है भाई। तो ब्लीचिंग पाउडर को एज आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अब ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आ जाता है भाई, थर्ड आपका आ जाता है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। अब इसके बारे में भी आपको वही बातें पता होनी चाहिए कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है, उसके बाद इसका कॉमन नेम क्या है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ कि आपका इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका NaHCO3। अब कॉमन नेम जो इसका ऊपर लिखा हुआ है, जैसे बेकिंग सोडा, बहुत सारे नाम होते हैं इसके, बेकिंग सोडा, उसके बाद बाइकार्ब, ठीक है, बाइकार्ब ऑफ सोडा, ठीक है, तो बेकिंग सोडा, बाइकार्ब, बाइकार्ब ऑफ सोडा, इस टाइप के नाम इसके लिए आपके यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉमन नेम आपका ऊपर भी है जो कि है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे इसका पता होना चाहिए आपको इंडस्ट्रियल नेम, ठीक है, या फिर वैसे जो आपका नाम होता है केमिकल नेम, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। केमिकल नेम की बात करोगे तो केमिकल नेम आपका क्या है, यहाँ पे वैसे बेकिंग सोडा तो इसको पढ़ोगे, या आपका सोडियम, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, नहीं है ये क्या आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम
हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है। तो ये आपका बेकिंग सोडा का कॉमन नेम बेकिंग सोडा है, केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपका क्या हो गया भाई, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये भी कैसे बनता है, ये भी आपका कहीं ना कहीं क्लोर एल्कली से जुड़ा हुआ है, जो आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस है उससे कहीं ना कहीं आपका कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो रिएक्शन है वो कैसे होगी, कैसे मिलता है बेकिंग सोडा, तो आपका जो NaCl है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस आपका अमोनिया, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीज़ें जो डाल दी जाती हैं, सबसे पहले तो देखिए NaCl प्लस H2 आपका ब्राइन सॉल्यूशन, तो ब्राइन सॉल्यूशन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अगर डाल दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कि यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले तो आपका NaHCO3 बनेगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट साथ में उसका क्या बनेगा, NH4Cl, NH4Cl जो आपको बताया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपकी बेकिंग सोडा की रिएक्शन, ठीक, कैसे बनता है बेकिंग सोडा, तो आपकी जो ऊपर आई थी कार्बन डाइऑक्साइड उसी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, अदरवाइज जो है कम्प्लीट उसका भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है, ये किस किस की रिएक्शन से मिलता है, ठीक है, ऑब्टेंड बाय बेकिंग सोडा इज ऑब्टेंड बाय रिएक्शन ऑफ, किसकी रिएक्शन के बाद होगा, ब्राइन सॉल्यूशन विद CO2 एंड अमोनिया। तो CO2 और अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराओगे ब्राइन सॉल्यूशन की तो ये मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो CO2 आ रही है वो कहाँ से आती है, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आ जाएगा इन दिस प्रोसेस कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ CO2, ये CO2 के सोर्स के लिए भी आप यूज़ की जा सकती है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, इसकी देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, फिर देखेंगे इसके यूज़ क्या हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज़ की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि जो आपका ये कैसा दिखता है, आपको ये तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका जो है कैसा दिखता है आपका, तो ये इट इज वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड, आपका ये क्या है, वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड है, ठीक है, जो कैसा दिखता है आपका एक फाइन पाउडर जैसा, बट अपीयर्स एज अ फाइन पाउडर, वो एक फाइन पाउडर जैसा आपको दिखता है। उसके बाद इसका नेचर कैसा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इसका नेचर कैसा होता है भाई, एम्फोटेरिक इसका नेचर होता है, ठीक है। ये बेसिक भी शो एज अ बेस भी बिहेव करता है और एज आपका एसिड भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इट इज स्पेरिंगली
सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत ही जल्दी जो है मिल जाता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। अब उसके बाद आपको ये लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि ये बेकिंग सोडा आपका खाने में यूज़ होता है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप जो है गलत सोच रहे हो। कैसे, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखो जो कि क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, इसका थर्मल डीकम्पोजिशन, अब थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होता है, इसका मतलब आपको हीट करो, अब खाने में यूज़ करोगे आप तो होगा क्या, उसको हीट ही तो करोगे, खाने में डाल के उसको हीट ही तो करोगे, तो जब आप उसको हीट करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास NaHCO3, इसको तुमने क्या कर दिया, हीट कर दिया भाई, तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है होता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, यहाँ पे ही आपका जो है प्रोडक्ट बनता है, क्या है ये आपका, ये बनता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे बना ना, ये जो है टेस्ट में कैसा होता है, कड़वा। ठीक है, तो ये कैसा होता है भाई आपका, कड़वा होता है, लेकिन बाद में जो है अगर और हीट करते हो तो ये जो तुम्हारा Na2CO3 है इसको फिर से अगर हीट करते हो तो ये तुम्हारा बना लेता है Na2O+CO2। ठीक है, Na2O+CO2, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपके बने, आपके जो बने, ठीक है, पहले तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है भाई, तो Na2CO3 Na2 निकल गया, CO2 निकल गया, तो यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे जो आपका Na2CO3 बना ना, ये क्या है, कड़वा सब्सटेंस है, यहाँ पे क्या है, Na2CO3 इज बिटर इन टेस्ट। ठीक है, ये कैसी आपकी बिटर है Na2CO3 टेस्ट, विच As well, due to which it is not used in, ठीक है, तो ये आपका जो है बिटर होता है टेस्ट में, जिसकी वजह से जो आपका किचन में यूज नहीं किया जाता, इट इज़ नॉट यूज इन किचन, किचन में आपका नहीं यूज किया जाता, खाने को जो है थोड़ा सा खराब कर देता है। ठीक है भाई, उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके यूज़ क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा इसके यूजेस क्या हैं, तो अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज इसका वो क्या है, इट इज़ यूज्ड इन, ठीक है, किसमें यूज होता है, यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है, तो ये किस में यूज़ होता है बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर, कैसे वो बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन में आगे हम देखेंगे। ठीक है, और बेकिंग पाउडर किस में यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग, कुकिंग वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है, एक्सेट्रा, आगे हम इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आपका जो है सेकंड जो है, ये बेकिंग सोडा आपका कैसे यूज़ होता है या क्या काम करता है, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड, ठीक है, एंटासिड की तरह आपका ये यूज़ होता है। उसके बाद और कहाँ यूज़ होता है वो भी देख लेते हैं हम, इट इज़ यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक्स, ठीक है, इट इज यूज इन टूथपेस्ट विच मेक द टीथ वाइट एंड प्लेग फ्री। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट की बात करोगे तो नेक्स्ट यूज इसका क्या हो जाता है, इसको इट इज़ यूज्ड इन
क्लींजिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स, ठीक है, इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ सिल्वर, ठीक है, तो सिल्वर वगैरह के ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता है, ठीक है, उसको क्लीन करने के लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट यूज़ क्या आ जाता है, अब देखो इसका एक यूज़ जो है इसकी रिएक्शन के ऊपर, जो हमने ऊपर रिएक्शन देखी उसी के ऊपर बेस्ड है, वो क्या है, यहाँ पे देखो NaHCO3, तो इसको हीट कर रहे हैं तो हम सोडियम कार्बोनेट के साथ बन रही है आपकी CO2, फिर से और हीट कर रहे तो और CO2 बन रही है, तो यहाँ पे जो CO2 बन रही है ना, इसी वजह से इसका नेक्स्ट यूज़ कहाँ पे हो जाता है, इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए, ठीक है, जो आपको सिलेंडर दिखते हैं उनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आपका हीट होने पे या वो आगे क्या बना सके, आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर सके, ठीक है, जो कि एक फायर एक्सटिंग्विशर होती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अपॉन हीटिंग इट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज़ करता है जिसकी वजह से फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। तो अब चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ जाता है भाई आपका फोर्थ नंबर पे बेकिंग पाउडर। तो आपका खाना बनाने में जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर होता क्या है आपका, ठीक है, तो बेकिंग पाउडर आपका क्या होता है, सबसे पहले आप जो यूज़ करते हो घरों में, ठीक है, खाने में जो क्या करता है, आप जब उसको खाने में डालते हो तो आपके खाने को, जैसे आपका केक हो गई, ब्रेड हो गई, ठीक है, या फिर आप जो भटूरा हो गया, इस टाइप की चीज़ें बनाते हो तो उसको फ्लफी बना देता है, फूला फूला सा बना देता है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपका क्या करता है, तो ये इट प्रोड्यूसेस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है ये ऑन हीटिंग, हीट करने पे, जिसकी वजह से सो इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग टू मेक द ब्रेड केक एक्सेट्रा, क्या बनाने, स्पंजी फ्लफी एंड मोर टेस्टी, ठीक है, ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आपका यूज़ होता है। अब कैसे यूज़ होता है, मतलब आप जब बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे थे तो आपका एक सब्सटेंस बन रहा था सोडियम कार्बोनेट, जो आगे आज जाके आप देखोगे कि ये फॉर्मूला होता है आपका वॉशिंग सोडा का, ठीक है, मतलब आपका जो सर्फ होता है उसका, तो आपका ये कड़वा तो होगा ही, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या होता है इसके अंदर बेकिंग पाउडर के अंदर, तो सबसे पहले आपका बेकिंग पाउडर जो है बनता कैसे है आप ये समझिए, ठीक है, तो बेकिंग पाउडर आपका बनता कैसे, जो आपका बेकिंग सोडा था, ठीक है, बेकिंग सोडा था उसी में थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाते हैं, कैसे, जो आपका बेकिंग सोडा था, बेकिंग सोडा जब इसी के अंदर आप मिला दोगे कोई माइल्ड एसिड जैसे टार्ट्रिक एसिड, जब आपने मिला दिया तो आपका जो है क्या बन जाएगा, इन दोनों को एक साथ यूज़ किया जाता है, ये आपका जो है इनका मिक्सचर ही क्या है आपका बेकिंग पाउडर, यही आपका बेकिंग पाउडर है, इनका एक साथ यूज़ करना ही आपका क्या है बेकिंग पाउडर है, ठीक है। अब कैसे जो है ये नहीं बनाते जो आपका प्रोडक्ट, तो कैसे है, सबसे पहले बेकिंग सोडा क्या था आपका NaHCO3, तो इसके अंदर आप जब टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है C4H6O4, ठीक है, तो ये आपका जो है क्या होता है फॉर्मूला होता है C4H6O4, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फिर जब ये दोनों आपका रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद आपका क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, तो आपका बनता है यहाँ पे CO2 प्लस H2O और साथ में आपका बनता है यहाँ पे Na2C4H4O6,
तो ये आपका जो क्या बनता है, सोडियम टार्ट्रेट। क्या बनता है भाई? सोडियम टार्ट्रेट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, C4H4O6, तो ये आपका क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड। तो हुआ क्या, इसके पीछे देखते हैं थोड़ा सा, बिहाइंड द आपका सीन्स चलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ कि जो आपका सोडियम, जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट था, मतलब आपका बेकिंग सोडा था, जब आपने इसको हीट किया तो यहाँ पे आपका क्या बना होगा, सोडियम कार्बोनेट बना होगा। सोडियम कार्बोनेट जो बना उसको न्यूट्रलाइज कर दिया किसने, टार्ट्रिक एसिड ने। और न्यूट्रलाइज करने के बाद आपका क्या बना, सोडियम टार्ट्रेट बन गया। तो ये जो सोडियम टार्ट्रेट बना ना, ये आपका एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है। जो आपका सोडियम टार्ट्रेट है, यहाँ पे सोडियम टार्ट्रेट इज अ प्लीजेंट स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड विद अ गुड टेस्ट, ठीक है। और ये इसीलिए खाने को जो है आपका और ज़्यादा टेस्टी बना देता है। सो इट मेक्स फूड मोर टेस्टी। तो इसीलिए आपने देखा है कि जो भटूरे वगैरह होते हैं वो आप जो है ज़्यादा खा लेते हो, ठीक है। तो इसका जो है, अगर आपसे कोई यूज़ पूछेगा तो आपका यूज़ में वही बताना है, ठीक है। तो यूज़ इसका यही है, ठीक है, जो हमने पहले भी बात की है, यूज़ इन कुकिंग फॉर मेकिंग फूड आइटम्स लाइक केक ब्रेड एक्सेट्रा मोर फ्लपी स्पंजी एंड टेस्टी। तो ये इसका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। तो अब देखिए फिफ्थ नंबर पे आपका आता है वॉशिंग सोडा। फिफ्थ नंबर पे क्या आता है भाई आपका, वॉशिंग सोडा। तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूले के बाद आपको पता होना चाहिए केमिकल नेम, और जो कॉमन नेम है वो तो हम ऊपर हेडिंग में लिख ही रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो वॉशिंग सोडा है, ये आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये आपका क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट तो होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, इसके साथ होता है वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं एग्जैक्ट फॉर्मूले की बात करूँ आपकी, तो ये होता है आपका Na2CO3.10H2O। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ, ठीक है। तो ये आपका वॉशिंग सोडा होता है। तो उसके बाद केमिकल नेम क्या है इसका, इसका केमिकल नेम आपका सोडियम कार्बोनेट, और आगे वाटर है, 10 है तो डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। अब ये बनता कैसे है इसकी बात करें, तो आप जो है Na2CO3 तो बना सकते हो थोड़ा सा, फिर भी मैं आपको क्या करवाता हूँ, रिवाइज़ करवा देता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ा है ये, ठीक है। क्या पढ़ा है आपने, आपने पढ़ा है कि जो आपका ब्राइन सॉल्यूशन है, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन की कहाँ पे पड़ा है आपने, जहाँ पे आप क्या बना रहे थे, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ पे बनाया है आपने, याद करो, अभी अभी पढ़ा आपने, ठीक है, याद करो। याद नहीं आता तो फिर देखो अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। कहाँ देखोगे फिर अपने नोट्स के अंदर, कि बेकिंग सोडा क्या था आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने कैसे बनाया था, आपने जो क्लोरोअल्काली प्रोसेस था उसी के प्रोडक्ट से बनाया था, क्लोरोअल्काली प्रोसेस में ही कुछ चीज़ें ऐड की थी। तो वहाँ पे आपने देखा था कि जो NaCl है और H2O, ये तो था ब्राइन सॉल्यूशन, इसमें जब आपने मिला दिया था अमोनिया और CO2, तो इसकी रिएक्शन से जो आपका बना था NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और साथ में आपका बना था NaHCO3। तो यहाँ पे जो NaHCO3 बन गया, इसको फिर हम हीट करते हैं, जो कि हम नहीं करना चाहते थे खाने के टाइम पे। अभी खाना थोड़ी बन रहा आपका, तो मैंने बताया था कि जो आपका यहाँ पे Na2CO3 बन रहा है, एक तरीके का वॉशिंग सोडा है,
तो कड़वा तो होगा ही, तो खाने में थोड़ी यूज़ करोगे आप, तो यहाँ पे आपका ये बन गया। ठीक है, जब फिर इसका जो है हम क्या करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो आपका क्या बनता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, आगे देखेंगे कि इस 10H2O क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब वॉशिंग सोडा। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके यूज़ देखेंगे। ठीक है भाई, इसके यूजेस की हम बात करें, इसके यूजेस, तो यूजेस क्या है इसका, सबसे पहला यूज़ है कि इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, किस में यूज़ होता है ये, क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स में। ठीक है, तो भाई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स के यूज़ के हिसाब से इसका मतलब ये आपका वाटर में क्या हो जाता है, सोल्यूबल, और ये वाटर में सोल्यूबल है। ठीक है, ये क्या है, सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन ज़्यादातर कार्बोनेट्स आपके वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ज़्यादातर कार्बोनेट सोल्यूबल नहीं होते, तो ये इसका थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। उसके अलावा इसके जो है यूज़ क्या क्या हैं, तो इसका सेकंड यूज़ क्या है कि इसका डिटर्जेंट केक और पाउडर बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, डायरेक्ट सोडियम कार्बोनेट का यूज़ आपका जो आपका एक आता है, ठीक है, जो कि बहुत हार्श होता है कपड़ों में, ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, या आपका लो स्टैंडर्ड पे यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका जो है इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग डिटर्जेंट केक, मतलब आपके जो साबुन होते हैं, ठीक है, कपड़े धोने के, एंड पाउडर जो आपका सर्फ होता है वो बनाने का आपका ये काम आता है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट बात करोगे तो ये नेक्स्ट इसका यूज़ होता है इट इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हटाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखें कि हार्ड वाटर क्या होता है, आपका सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ये आप चैप्टर नंबर 4 में आता है आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड में। हल्का सा आपको बता देता हूँ कि जो हार्ड वाटर है उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम है उसके सॉल्ट पाए जाते हैं, सॉफ्ट वाटर में नहीं पाए जाते, और जिसकी वजह से आपका जो साबुन वगैरह है, जो नॉर्मल सोप है, वो यूज़ नहीं हो पाता हार्ड वाटर के अंदर। ठीक है, उन आयंस की वजह से वो स्कम बना लेते हैं, देखा होगा हाथ चिपचिपे से हो जाते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद इसके और भी यूज़ हैं आपके। ठीक है, और यूज़ कहाँ हैं, इट इज़ यूज्ड इन जो आपका ग्लास इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ग्लास वगैरह इसको साफ़ करने के लिए, इससे इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट जो आपका लास्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बच जाता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो आपका कौन सा है भाई यहाँ पे, वो है आपका POP। ठीक है, POP आपने देखा होगा, आप घरों में यूज़ करते हो। ठीक है, अगर आपके घर पे जो है POP यूज़ होता है, जब उसका बनता है घर, ठीक है, घर बनता है तो POP यूज़ होता है, रूफ़ वगैरह पे डिज़ाइनिंग की जाती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6th नंबर पे क्या आ जाएगा, POP, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होती है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, होता क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये सारी बातें हम इससे जुड़ी हुई जानेंगे। तो सबसे पहले इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करेंगे, उसके बाद केमिकल नेम की बात करेंगे। ठीक है भाई, तो केमिकल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, तो केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है भाई, CaSO4.12H2O। तो नाम भी क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और हाफ है तो सेमी हाइड्रेट, ये इसका जो है नाम हो जाएगा। अब बनता कैसे है, ये बनता आपका जिप्सम से। कैसे बनता है भाई, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का हीट करके बनता है। अब जिप्सम जो है वो क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जिप्सम होता है आपका CaSO4
H2O, ये होता है जिप्सम। और जब आप इसको हीट करते हो, ठीक है, हीट करते हो लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये रह जाता है आपका CSO4.5H2O। ठीक है, उसके बाद दोबारा से इसमें पानी मिला के जो है इसको यूज़ किया जाता है, ताकि एक बार ये दोबारा से फिर हार्ड हो जाता है, फिर दोबारा यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो इसमें से प्लस 1.5H2 आपका रिलीज़ हो जाता है, निकल जाता है यहाँ से। तो ये जो बच गया आपका, ये वाला जो है, ये आपका क्या बच गया भाई, POP। तो यहाँ पे POP आपका बच जाता है। ठीक है, उसके बाद POP में दोबारा से हम पानी मिला के उसको जिप्सम बना लेते हैं और फिर यूज़ करते हैं। ठीक है, जो टेम्परेरी जो है फिर आपका सॉफ्ट हो जाता है कुछ देर के लिए, फिर उसको जो शेप देते हो उसके बाद वो दोबारा से हार्ड हो जाता है, फिर यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो इसके अगर आप यहाँ पे आप यूजेस की बात करोगे, ठीक है, तो इसके यूज़ क्या होंगे, तो सबसे पहला यूज़ आपको पता है इन मेकिंग टॉयज़। देखा होगा टॉयज़ या स्कल्पचर्स, जो डिज़ाइनर सीलिंग होती हैं आपकी, फॉल्स सीलिंग बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, जो डिज़ाइन करवाते हो फूल वगैरह। देखो अपने ऊपर आपके जो फ़ैन के आसपास जो डिज़ाइन बना हुआ है उस टाइप से, ठीक है, डिज़ाइनर फॉल सीलिंग बनाने के लिए, स्कल्पचर्स बनाने के लिए, मूर्तियां वगैरह बनाने के लिए एक्सेट्रा। उसके बाद यूज्ड बाय डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन, जो फ्रैक्चर हो जाती है बोन, ठीक है, उनको ठीक करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है क्या, POP। ठीक है भाई, अब उसके बाद आपकी जो लास्ट टर्म आ जाती है, ठीक है, वो क्या, आपकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसकी हमने बात की थी अभी, क्या है भाई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है भाई, लास्ट टर्म है, इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो यहाँ पे देखो क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब एक मॉलिक्यूल। तो आपने देखा है बहुत सारे, अभी आपने ऊपर एक दो सॉल्ट देखे जैसे POP, जिप्सम, वॉशिंग सोडा, इनके साथ आपने क्या देखा, इनके एक मॉलिक्यूल के साथ क्या है, वाटर अटैच है, वाटर के भी मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि मैनी सॉल्ट्स, ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेन वाटर मॉलिक्यूल, उनके अंदर क्या होता है भाई, वाटर मॉलिक्यूल, और उन्हें क्या कहते हैं, एंड आर नोन एज, वाटर होगा तो क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट, उन्हें क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, तो जो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन देम इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसे क्या कहते हैं भाई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल आप अभी दे सकते हो, आपने पढ़े हैं ऊपर क्या क्या एग्जांपल है भाई इसके, जैसे वॉशिंग सोडा का दे सकते हो आप, क्या था, Na2CO3.10H2O, नाम आपको पता है, पीछे देख लेना। ठीक है, उसके बाद आप जो है यहाँ पे जो आपने अभी POP पढ़ा CSO4.5H2O, उसके बाद आपने जिप्सम पढ़ा CSO4.2H2O, उसके बाद आप और देख सकते हो, जैसे आपका हो जाएगा CuSO4.5H2O, उसके बाद आपका FeSO4.7H2O। इनका नाम जो है क्या है, नाम करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कैसे, यहाँ पे जो है आपका यूज़ हुआ क्या, कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉपर सल्फेट, और वाटर कितने हैं आपके, पांच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पेंटा हाइड्रेट। ऐसे यहाँ पे क्या लिखोगे आप, फेरस सल्फेट और सात है तो आपका हेप्टा हाइड्रेट, ये आपका जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करें, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है आपका कितना होगा, तो जैसे इसके अंदर 10 है आपका, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका हाफ है, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे आपका 7 है, ये क्या आपका वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। एक ही वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को कवर किया है, ठीक है। बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे पेपर जो आपके ख़त्म हो गए थे, तो उसमें जो इसकी वजह से वीडियो जो आपकी डिले हो गई है, ठीक है। तो अब वीडियो थोड़ा सा जल्दी आपको मिलेगी, तो उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। पूरा चैप्टर ध्यान से देखिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरा चैप्टर में अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, पूरी साइंस के अंदर कोई भी डाउट है टेंथ क्लास की, ठीक है, तो आप मुझको नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको आंसर मिलेगा, या फिर आपको बताया जाएगा कि ये वाला चैप्टर आपको जल्द ही मिल जाएगा। आपको पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना, आप उसके लिए भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अमेजिंग चैप्टर्स के लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए, ठीक है, स्वस्थ रहें, घर पे रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाई ना छोड़े, सीखते रहें कुछ ना कुछ नया, ठीक है। तो बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।